हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, फरमाते हैं कि इंसान सांस लेता है ये भी अल्लाह का एहसान और सांस छोड़ता है ये भी अल्लाह का एहसान। सांस ना आए इंसान मर जाए, सांस आने के बाद बाहर ना निकले इंसान मर जाए। हम और आप आज साइंस की दुनिया में जीते हैं, सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं हाइड्रोजन छोड़ते हैं। हम और आप आज साइंस की दुनिया में जीते हैं, सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं हाइड्रोजन छोड़ते हैं। यानी कुरान फोरटेल्स ऑक्सीजन, गोया कि कुरान हकीम ने आज से 1400 साल पहले फोरटेलिंग कर दी इसकी और पेशीन गोई कर दी के ऑक्सीजन मौजूद है। इसका मतलब है कि दरख्त जो हरे दरख्त होते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन समझते हैं क्या, ये ऑक्सीजन आग है, वो नार है ऑक्सीजन। अजीब बात है, पूछा जाए कि पानी क्या है, व्हाट इज वाटर, पानी क्या है, तो ये कहते हैं ना H2O के तनासुब से, H2O के तनासुब से बना है, यानी H2 यानी हाइड्रोजन के दो हिस्से और ऑक्सीजन का एक हिस्सा, इन दोनों के तनासुब से पानी बन गया पानी। अब इन दोनों की खसूसियात के ऊपर निगाह डाली जाए कि व्हाट इज ऑक्सीजन। अच्छा यहीं पर एक चीज और बता दूं, एक होता है मॉलिक्यूल और एक होता है एटम, एक होता है सालेमा एक होता है जौहर। उर्दू में एक सालेमा होता है और एक होता है जौहर, तो सालेमा कहते मॉलिक्यूल को और जौहर कहते एटम को। ये मॉलिक्यूल क्या है और एटम क्या है, किसी मुरक्कब को गौर से, किसी मुरक्कब को अगर तकसीम करते चले जाओ और ऐसे जुज के ऊपर पहुंचो कि उसकी अगली तकसीम ना हो सके, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड सालेमा, ये सालेमा है। और किसी मुफरद को तकसीम करते चले जाओ और ऐसे जुज पर पहुंचो कि अगली तजस्सी ना हो सके, दैट इज कॉल्ड आइटम, दैट इज कॉल्ड जौहर, इसको जौहर कहते हैं। नहीं समझ में आया, पानी मुरक्कब है। अब मैं एक कतरा ले लेता हूं पानी, ये कतरा है, अब ये कतरा, अब इस कतरे के अंदर ये मुरक्कब है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मुरक्कब है, मिला हुआ है ना। अब हम इस मुरक्कब की, इस पानी की तकसीम कर रहे हैं, तकसीम करते 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 करते, ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि साइंस के स्टूडेंट में होने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह समझ ले एटम और सालेमा में फर्क क्या, मॉलिक्यूल और एटम में। तो इस हम मुरक्कब की तकसीम करते 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 ऐसे जुज के ऊपर पहुंचे कि अगली तकसीम में ये मॉलिक्यूल है। अच्छा अब इसमें से हम खाली ऑक्सीजन को ले लें या हाइड्रोजन को ले लें, वो मुफरत है, वो ऑक्सीजन मुफरत और हाइड्रोजन भी मुफरत, इन दो मुफरदात को आपस में मिलाया गया तो पानी बन गया, यानी पानी मुरक्कब है, हाइड्रोजन का दो हिस्सा ऑक्सीजन का एक हिस्सा, ये मिल गए मुरक्कब हुए तो पानी बना। अब इस मुरक्कब की तकसीम करते चले जाओ आखिरी हिस्सा जिसकी तजस्सी ना हो सके मॉलिक्यूल है। अब इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को ले लो मुफरत, अब ऑक्सीजन की तकसीम करते 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 चले जाओ इस ऑक्सीजन का अगला हिस्सा जिसकी तजस्सी ना हो सके, यह एटम है। तो ये ऑक्सीजन छोड़ता है, मिन शजर अखजर नारा, हरे दरख्त से अल्लाह ने आग निकाली, ये आग क्या है, ये ऑक्सीजन। और अजीब बात तो ये ऑक्सीजन आग है जो जला देता है, ऑक्सीजन आग है जला देता है, और हाइड्रोजन जलाने के अमल को तेज करता है, जैसे आग के ऊपर पेट्रोल डाल दिया जाए, और इतनी खतरनाक गैस है, एक जलाने वाली एक जलाने के अमल को तेज करने वाली, दोनों को मिला दिया तो मदारे हयात बन गया, जिसके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। क्या कानून है और क्या अंदाजा बनाने का, सुभान अल्लाह। ये पानी की फितरत देख करके आदमी ईमान लाने पर मजबूर हो जाए कि बनाने वाले ने कितने प्यारे अंदाज से बनाया है कि दो खतरनाक गैसेस को मिला दिया तो वो चीज बन गई जिसके ऊपर जिंदगी का मदार है, और दोनों खतरनाक गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी जलाने वाली और हाइड्रोजन जलाने के अमल को तेज करने वाली, एक आग तो दूसरा पेट्रोल की तरह है, और दोनों खतरनाक गैसेस को बना मिला दिया अल्लाह तबारक तआला ने खास तनासुब से। अब साइंसदान से ये पूछो व्हाट इज वाटर, तो वो बोलेगा H2O। मैं ये पूछूं कि ये बता ऑक्सीजन के दो हिस्से क्यों नहीं हो सकते, हाइड्रोजन का एक क्यों नहीं, इसके पास कोई जवाब नहीं है।